हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नौजवान एमएलए कपिल मिश्रा साहब। कपिल मिश्रा साहब, कितनी खुशी, लोगों की बहुत भीड़ है। ऐतिहासिक दिन है और भावुक दिन है। आज ही के दिन एक साल पहले अरविंद जी ने इस्तीफा दिया था और आज ही के दिन प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं दिल्ली में। लाखों लोग रामलीला मैदान आ रहे हैं और ऐसी लाखों लोग चारों तरफ हैं। मुझे लगता है थोड़ी देर में शायद एंट्री भी बंद हो जाए, इतने ज़्यादा लोग अंदर आते जा रहे हैं। बहुत बड़ा दिन है, अरविंद जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आम आदमी की सरकार आई है दिल्ली में और बदलाव की शुरुआत हो रही है। आपको नहीं लगता जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा, 67 सीटें भी हैं? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है साहब, कैसे निभाएंगे? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन जनता को पता है ये निभाने वाले लोग हैं। वादा करते हैं तो उसे पूरा करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। तभी तो 49 दिन हमने काम किया और उसको देखकर जनता ने हमें इतना बड़ा बहुमत दिया है। बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी चुनौती है, जनता साथ में है, मिलकर निभाएंगे। 70 पॉइंट्स का मैनिफेस्टो था, कौन सी प्राथमिकता होगी? आज भी कैबिनेट की एक मीटिंग होनी है। पूरा मैनिफेस्टो प्राथमिकता है जी, कोई भी वादा छोटा बड़ा नहीं होता है, हर वादे पर काम करना है। कैबिनेट की पहली मीटिंग से आपको बदलाव की शुरुआत दिखने लगेगी, बड़े फैसले होने जा रहे हैं। कौन सी शुरुआत कहाँ से होनी, क्या वो कौन सा इशू होगा जिसको सबसे पहले अरविंद उठाने वाले हैं? इसके लिए तो कैबिनेट की मीटिंग का इंतजार कीजिए, कैबिनेट के प्रवक्ता ही उसके बारे में बताएंगे। कुछ ही घंटों में मीटिंग होने वाली है, थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। एक बड़ा बदलाव जो होने वाला है, 12 बजे अरविंद जी शपथ लेंगे और 12:01 से दिल्ली में रिश्वतखोरी नहीं चलेगी। नौजवान का चेहरा थे आप, आपको वजारत में जगह नहीं मिली, मिनिस्ट्री में जगह नहीं मिली, कोई मलाल दिल में? मैं बताता रहा हूँ कि मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ। जब अरविंद जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो आप, मैं और दिल्ली का हर नागरिक मुख्यमंत्री बन गया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्री पद के बारे में कोई नहीं सोचता है साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो लोग हैं जो यहाँ भी भीड़ आई है, न सिर्फ आपके एमएलए बल्कि तमाम लोगों का यही कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री बना है तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जनता है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है और इसीलिए वो यहाँ पहुंचे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने मुकम्मल अक्सरियत हासिल की है उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा है और जैसा कि आम आदमी पार्टी के एमएलए बता रहे हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। कैमरा पर्सन नीरज के साथ अंदर उल्ला मुंसत्ती भी दिल्ली।